भाई कांप रहा हूँ, मेरा कैमरा भी कांप रहा है। नहीं कैमरा तो नहीं, हाथ कांप रहे हैं। ओ भाई बर्फ गिर रही है ये देखो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वैसे गुड मॉर्निंग है नहीं, बट आप सुबह सुबह देखोगे इसलिए मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। अभी रात के बज रहे हैं 9:45। एक व्लॉग मैंने एंड करा है, एक स्टार्ट करा है। यहाँ पे पीयूष है और लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हम आए हुए हैं मुक्तेश्वर। यहाँ पे हमारे साथ दिव्य भैया हैं हिमालय नस्की से, और गेमर फ्रीट हैं, साहिल हैं, और भी काफी सारे लोग हैं। अभी फिलहाल हम वेट कर रहे थे वैसे स्नो का, क्योंकि स्नो गिरने वाली है थोड़ी देर में, तो मैं सोचा इतनी देर एडिटिंग कर लेते हैं। तो फिलहाल एडिटिंग चल रही है मेरी, और बस एडिटिंग करते हैं, इसके बाद थोड़ा चिल करेंगे और देखते हैं स्नो कब तक गिरती है। और डिनर कर लिया, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि दोबारा एक बार और डिनर कर लें। सेहत कम हो गई ना, ठंड में भूख बहुत ज़्यादा लगती है। एक बार डिनर तो कर लिया, दूसरी बार करने की सोच रहे हैं। आज म्यूजिशियन भी हैं तो गिटार विटार भी बजाएंगे, फुल माहौल बनेगा। ये ना बिना स्ट्रिंग का गिटार बजाता हूं। तो मजा आने वाला है। फिलहाल जल्दी से मैं एडिटिंग कंप्लीट करता हूं पहले। बस थोड़ी एडिटिंग बाकी है, बाद में करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे गिटार बजाया जा रहा है। ये गाता है अच्छा, अच्छा साहिल अच्छा गाता है। आप बजाओ, ठीक है आप बजाओ, ये गाएगा। गाना सोचो कोई मस्त गाना। जो तेरी देखी शराबी ये दिल साइन हो गया। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। तो अभी गाइस थोड़ी बहुत एडिटिंग बाकी है, लेकिन दोबारा से डिनर आ चुका है। चलो पहले डिनर ही करते हैं। पहले बाहर देखते हैं कि बर्फ आई है नहीं आई। भाई साहब ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है ना बाहर, माइनस में चला गया होगा अब तो। थोड़ी देर पहले 1 डिग्री था। चलते हैं अंदर डिनर ही करते हैं। दूसरा डिनर हो रहा है, एक डिनर हमने करा था आई थिंक 6-7 बजे डिनर करा था हमने। तो अभी गाइस दोबारा डिनर हो चुका है हमारा, अब कुछ पियेंगे गरम गरम। क्या बना रहे हो? हॉट चॉकलेट। हाँ पी रहे हो ना? हाँ कुछ भी पिला दो, बस हॉट होना चाहिए। यार इसको मेरे को दे दे यार, पीयूष को। तो अभी गाइस रात के 12 बज चुके हैं, एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, एंड अब पियेंगे मस्त हॉट चॉकलेट फर्स्ट टाइम। तो अभी हम बाहर आ गए हैं और वेट कर रहे हैं बर्फ का। बारिश तो हो ही जा रही है, बस इसने छाता ले लिया है। अरे यार मेरे को ठंड लग रही है थोड़ा। तो अंदर चल, भी ठंड लग रही। तो एडिटिंग हो गई है, अपलोडिंग हो गई है, मतलब सारे काम हो चुके हैं, लेकिन बर्फ अभी तक नहीं आई है, अभी तक बस बारिश ही हो रही है। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं सोने के लिए, शायद सुबह हमको मिल जाए बर्फ, देखते हैं चलो। लेकिन ठंड बढ़ती जा रही है। ये क्या हुआ? बाय 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 बाय। दो बंदे इसमें जाओ, अपन दोनों इसमें आते हैं। रात को 12 बजे इतनी ठंड में, इतनी बारिश में हम चला रहे हैं गाड़ी। तो गाइस रात के 1 बज चुके हैं, अभी तक बर्फ नहीं गिरी है। हम शाम के 6 बजे से वेट कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया, अब पता नहीं कब गिरेगी। अब तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, अब तो बस सुबह उठेंगे, होपफुली सुबह तक बर्फ़ गिरी हुई मिले या फिर गिर रही हो। बाकी अब मैं आपसे सुबह मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 2 और अब जाके बर्फ़ पड़ रही है काफ़ी तेज़ वाली। अभी दिव्य भैया का फ़ोन है, जल्दी बाहर जाके देखते हैं। भाई बहुत एक्साइटेड हूँ। अबे खुल जा भाई। ओ भाई। तो फिलहाल मैं बाहर आ गया हूँ, मैं तो लिटरली सोने वाला था, नींदों में था मैं, एकदम से फ़ोन आया दिव्य भैया का कि बर्फ गिर रही है। भाई कांप रहा हूँ, मेरा कैमरा भी कांप रहा है। नहीं कैमरा तो नहीं, हाथ कांप रहे हैं। ओ भाई बर्फ़ गिर रही है ये देखो। लाइफ की पहली बर्फ़ गिरते हुए देख रहा हूँ, वो भी रात के 2:30 बजे अकेले बाहर जंगल पे। बाकी सब सो चुके हैं। गेमर फ्लिट भैया को फ़ोन करता हूँ, आई थिंक वो सो गए हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। व्यस्त है? कुछ समय पश्चात प्रयास करें। भाई व्यस्त है, कॉल पर व्यस्त है। वाह इतनी रात को दूसरे कॉल पे व्यस्त है 2:30 बजे। भाई क्या चक्कर है भाई, पीयूष अपना नींदों में, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। जाके आते हैं उनके पास, फोन तो उठा नहीं रहे। भाई बर्फ पड़ रही है भाई। भाई सो गए थे क्या? भाई फोन बिजी आ रहा था आपका, किसी दूसरे कॉल पे व्यस्त है। बर्फ पड़ रही है, बर्फ देख बाहर, वो कितना प्यारा लग रहा है यार ये। तो गाइस अब देखो अब गिर रही है ज्यादा, अब और ज्यादा होती जा रही है, मतलब मुझे लग रहा है कि पूरा ढक जाएगा। सहल कैसा लग रहा है? ठंडा लग रहा है भाई। ये दोनों तो अपना मस्त सो रखे थे। आना भाई थैंक यू यार उठाने के लिए, वरना देख नहीं पाते। चलो बर्फ गिरते हुए भी देख लिया, अब गिरने देते हैं इसको। अब सुबह उठेंगे, देखेंगे सुबह कितनी जमी है
या फिर जो भी रहेगा। फिलहाल तो मेरे हाथ इतने कट चुके हैं ना, क्योंकि पूरी स्वेटर पे गिर गया, सब जगह पूरे भीग गए, तो मैं सोता हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी भी जस्ट उठाऊँ मैं, लेट सोए थे तो लेट उठाऊँ, लेकिन कहीं भी अब बर्फ़ नहीं दिख रही है। देखो रात को पड़ी थी लेकिन सारी पिघल गई है, पता नहीं क्या सीन है। मुझे लगा था कि सुबह तक पूरा बर्फ़ से ढका हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो बर्फ़ का कहीं नामो निशान ही नहीं है भाई। पोपटी हो गया, अब तो वापस जाना पड़ेगा हमको यहाँ से। लेकिन अभी अभी कॉल आया था नैनीताल से, नैनीताल में बर्फ़ पड़ रही है, तो यहाँ से हम नैनीताल भी जा सकते हैं। नैनीताल यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, चले। नैनीताल में पड़ रही है बर्फ़ तगड़ी। तो अभी का प्लान हमारा ये है कि हम जाएंगे नैनीताल। पीसी उठ जा, सुबह हो गई। पीछे उठ जा, सुबह हो गई। नैनीताल जा रहे हैं, तो अभी फिलहाल चलते हैं ऊपर, वहीं पे हमारी गाड़ी पार्क है। बहुत ही नेक्स्ट लेवल ठंड हो रही है यहाँ पे। फिलहाल मैं इतनी गाड़ी रेडी करता हूँ, वो आएंगे। एक्चुअली हम रुके थे रात को एक होम स्टे में, तो जो ये जगह है ना, इसके अंदर हम रुके थे। जगह तो प्यारी है, काफ़ी मस्त है, देखो शांति भी है, लेकिन बर्फ़ नहीं है यार, जिसके लिए हम आए थे। अगर मान लो बर्फ़ ज़्यादा पड़ी होती तो पूरी यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ मिलती, कितना मज़ा आता खेलते अभी सुबह सुबह उठ के। रोड पे पहुँच गया हूँ, एंड थार यहाँ पार्क की थी कोने में, तो अभी मैंने जैकेट चेंज कर लिया, बिकॉज वो जैकेट थोड़ी भीग गई थी कल रात को। भाई देखो थार के हाल देखो क्या हो गए, पूरी मिट्टी ही मिट्टी, और बिल्कुल कोने में लगाई थी देखो। लेकिन इसका मजा ऐसे ही है, इसको कहीं भी खड़ी कर सकते हैं, देखो कैसे खड़ी है, बिल्कुल टेढ़ी हो रखी है। भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ठंड है ना। करो सही में, सच्ची है देखो, करो हो गए हो गए, अपने बंद हो रही है भाई, तो झटके खा रही है भाई। गरम कर लो फिर थोड़ी, कैसे होगी गरम, रेस दो हल्की हल्की, न्यूट्रल पे कर लो, धुआं निकलेगा भी इसमें से बहुत, नहीं बहुत ज्यादा निकाल रही है, बहुत ज्यादा। भाई स्टार्ट नहीं हो रही थी, इतनी खतरनाक ठंड हो रही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो फाइनली गाइस बर्फ दिखी गई, ये देखो कोई नहीं, सस्ती बर्फ है। मैं लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में, लेफ्ट में क्या यार, इतनी थोड़ी सी बर्फ को देख के हम खुश हो रहे हैं। और सामने देखो, सामने भाई दिखने लग गई भाई, वो देखो दूर पूरा पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है। भाई कल अपन यहाँ क्यों नहीं रुके, हम पता नहीं कहाँ रुके हुए थे भाई। भाई यहाँ पेड़ तक ढके हुए, वो देखो ना आगे। ओ भाई ये किधर आ गए, ये तो बिल्कुल हेवन की तरह लग रहा है, मेरा जन्नत लग रहा है बिल्कुल यार, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है यार। भाई कार वार ढकी पड़ी है, चलो भाई चलो चलो, ओ नीचे भी बर्फ। तो फाइनली हमको बर्फ मिल गया है, और हम रुक गए यहाँ पे, और थार यहाँ पे खड़ी कर दिया है मस्त बर्फ में। ओए प्रॉपर रुई वाली है क्या भाई, ये तो रुई है, बिल्कुल भी टाइट नहीं है, मारो मत। भाई बहुत तगड़ी चीज है यार, वो पूरा भी। तो लाइफ की हमारी पहली स्नोफॉल, कैसा लग रहा है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम जाने वाले थे नैनीताल, वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती, लेकिन यहाँ देखो कोई भी नहीं है, कोई टूरिस्ट नहीं है, तो हम मस्ती से, मतलब मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है ना सर भाई, प्लीज़ प्लीज़ यार, नहीं नहीं। तो चलो फिलहाल ऊपर चलते हैं यहाँ से, भाई फिसल मत जाना कोई, ये कैमरे पर लग जाएगी भाई। भाई यहाँ तो बहुत तगड़ी है, अरे इसमें तो फिसल ही नहीं रहे, अरे लेंस में मेरे बर्फ घुस गई। ये देखो पीयूष ने मेरा क्या हाल करा है, पूरी बर्फ ही बर्फ घुसा दी, मुंह मार रहा है यार सबके, मुंह मत मार, मेरे अंदर घुस गई पूरी। लेकिन गाइस एक बात सबसे बढ़िया है, मतलब इतनी बर्फ हो रही है यहाँ पे, लेकिन ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही है, चाहे बर्फ को हाथ में पकड़ लो चाहे कुछ भी कर लो, ठंड नहीं लग रही बिल्कुल भी। वैसे ठंड लग रही थी वहां पे सुबह सुबह, लेकिन बर्फ में बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। यार क्या मस्त जगह है, देखो यार बर्फ ही बर्फ, हमारे अलावा और कोई नहीं है यहाँ पे। भाई सबर का फल मीठा होता है, ओए ओलू आजा आजा भाई, मस्त खेल रहे दोनों के दोनों।
मतलब वर्थ था। हाँ यार, मतलब और पता सबर का फल मीठा होता है। और पता क्या हुआ ना, हमको ना एक तो चौके से मिली है, ऐसा नहीं हुआ कि हम सोचे नैनीताल जाएंगे। हाँ, वहाँ पर अरे हाँ। ऐसे जाएंगे। हम तो एक्चुअली नैनीताल जाने वाले थे, बिकॉज हमको पता, हमको चला था कि वहाँ पे बर्फ गिरी है। रास्ते में दिख गई हमको ये रास्ता है एक्चुअली, रुक गए हम। हम रुक गए रास्ते में बर्फ, हम इतनी आगे गए, इतनी ऊपर गए, मगर वहाँ बर्फ नहीं है लेकिन यहाँ बर्फ। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं यहाँ से। मेरे को पता किसमें मजा आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये है ना, इसमें पता पैर डालने में बड़ा मजा आ रहा है। ये देखो एकदम ऐसा लग रहा है रुई पे पैर डाल दिया। ओरियो को बड़ा मजा आता है यार। मम्मी पापा से पूछूंगा लेकिन, लेकिन मम्मी आती नहीं, मम्मी को उल्टी की प्रॉब्लम है ना, लेकिन फिर भी पूछूंगा यार मैं मम्मी से। जिमाम जिमाम बिंग बिंग तब। वाह भाई वाह, चलो भाई चलो। तो अभी थार को इस बर्फ के अंदर लेके जाते हैं, कहीं रास्ते में कुछ रेस्टोरेंट मिलेगा तो रोक देंगे खाने के लिए ना। तो अभी 11 बजने वाले, अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है ना, तो रुक के कुछ खा लेंगे कहीं रेस्टोरेंट पे। कुछ भूख तो लग रही है, परांठे वगैरह, परांठे वगैरह खा लेंगे। डन है। लेकिन यहाँ बेस्ट हो गया, बिकॉज यहाँ पे, यहाँ पे टूरिस्ट हम जाने वाले। अबे यार चुप हो जा, नहीं होगा देख।